राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, जैसे कि मैंने कभी आपको एक इसका एनालॉजी भी दिया था, इट्स लाइक गोलगप्पे वाला, लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम फॉर ईटिंग गोलगप्पास। तो द गोलगप्पे वाला गिव्स वन गोलगप्पा टू वन एंड मूव्स अराउंड एंड गिव्स द सेकंड वन टू द सेकंड पर्सन एंड सो ऑन सो फोर्थ। ही अगेन कम्स बैक टू द फर्स्ट पर्सन आफ्टर गिविंग वन गोलगप्पा टू ईच ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम। सो इट्स अबाउट द टाइम शेयरिंग सिस्टम इन विच द पीपल आर मैनेज्ड। सिमिलरली द टाइम शेयरिंग सिस्टम फॉर द प्रोसेसेस ऑल्सो, वी वॉन्ट टू गिव द फेयर चांस फॉर ऑल द प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट। दैट इज वाई सम टाइम इज एलोकेटेड टू वन ऑफ द प्रोसेस टू फॉर द एग्जीक्यूशन एट द सीपीयू। इट्स एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इज गिवन टू द सेकेंड प्रोसेस, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इज गिवन टू द थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। वंस ऑल द प्रोसेसेस हैव एग्जीक्यूटेड फॉर वन टाइम, द सीपीयू अगेन गिव्स सम टाइम टू द फर्स्ट प्रोसेस अगेन। So it's a round robin manner in which we are giving the time to all the processes for the execution. So यहाँ पे एक time quantum बहुत important factor है, जहाँ जैसे आप screen पे भी देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ and TQ is the factor which is the most important thing here. So let's say time quantum is known as the time for which a process can be given the CPU. Let's declare it integer. और सबसे पहले जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हम इसको सिंपल एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन वी विल अगेन कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, बिकॉज डिफरेंट अराइवल टाइम के लिए हमारे लिंक्ड लिस्ट ही हैंडी होगा, अदरवाइज एरे वाला जो है वो वर्क, एरे वाला जो है भाई डिजाइन तो कभी भी किसी भी तरह से हो सकता है, बट दैट विल बी डिफिकल्ट। तो अभी फिलहाल हम एरे से डिजाइन करने जा रहे हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को, और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि सभी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम जीरो है। ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस हैव द अराइवल टाइम जीरो। So let's take some of the arrays. One of the array is the arrival time, ET array. Let's take its size as 10, meaning that we can accommodate a maximum of 10 processes at the moment. Similarly, there are some other parameters that you need to declare. For example, the burst time for all the processes, then the completion time for the processes, then the turnaround time for the processes, then the response time for the process, then waiting time for the process. So these are the parameters. इसके अलावा एक और पैरामीटर हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और वो पैरामीटर नहीं है बल्कि हमारे लिए एक टेम्पररी है, जिसको हम कहेंगे रिमेनिंग बस टाइम। ठीक है, रिमेनिंग बीटी कहेंगे इसको, रिमेनिंग बस टाइम। रिमेनिंग बस टाइम का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, और जब भी हम एग्जीक्यूशन करा रहे हैं प्रोसेसेस का एट द सीपीयू, वी विल हैव टू लुक कि जो प्रोसेस जिसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसका कितना पोर्शन एग्जीक्यूट हो चुका है और कितना पार्ट बचा हुआ है। तो कितना पार्ट बचा हुआ है उसके लिए हम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम का यूज कर रहे हैं। लेट्स टेक सम आई जे के वेरिएबल्स दैट वी विल बी यूजिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी वेरिएबल्स विल बी रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस वी हैव कंसीडर्ड आई जे के। देन लेट्स टेक अ कंप्लीशन टाइम ऑल्सो। लेट्स से सी टी इज referring to the completion time and not the completion time but the current time. Is this visible or not visible? Looks like it has hanged up. थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं, भी कोशिश करता हूँ इसको रिकवर करने का। सो लेट्स टेक द करेंट टाइम ऑल्सो। सुनते रहिए मेरी बात तो भी जो है आपको कुछ कुछ समझ में आता रहेगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि मेरा सिस्टम में हैंग तो नहीं हो गया।
आई होप अभी ये दिखने लगा होगा। यस ठीक है, सो वी आर टेकिंग अ करेंट टाइम एट जीरो, और हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी संख्या लेट से हम एन मान लेते हैं, और उसको आप इनिशियलाइज कर देना या वैल्यूज यूजर से ले लेना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। मैं केवल एक जस्ट एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ इसमें कि आपको जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको एग्जीक्यूट कराना है, और जो जब प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हम इस समय ये मान रहे हैं कि हम हर प्रोसेस को या तो टाइम क्वांटम के बराबर एग्जीक्यूट कराएंगे या तो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के बराबर एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सभी प्रोसेसेस का जो बर्स्ट टाइम है और रिमेनिंग बर्स्ट टाइम दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एन प्रोसेसेस हैं तो 0 से n-1 तक हमारा ये इंडेक्स वेरी कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम हैं उनको हम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के इक्वल कर दें। तो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम आई इज इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम ऑफ गिवन प्रोसेस। ठीक है, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम ऑफ द गिवन प्रोसेस, हमने इनिशियलाइज कर दिया रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। इसके अलावा हम एक और एरे ले रहे हैं जो कि हमारा एक फिनिश टाइम बताएगा, या फिनिश बताएगा, फिनिश टाइम नहीं बताएगा बल्कि फिनिश बताएगा, और फिनिश में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर एक प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक तरह का ये डायरेक्ट एड्रेस टेबल है जिसमें कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर 10 प्रोसेसेस हैं तो हम इसको 10 साइज डिक्लेयर कर देते हैं, देन यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वैल्यू या पहला इंडेक्स में जो वैल्यू है वो 0 और बाकी सारे 0। तो इट इज अबाउट इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फिनिश अरे एज 0। जैसे कोई प्रोसेस फिनिश होगा तो उस इंडेक्स पे हम वैल्यू 1 डाल देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये प्रोसेस फिनिश हो गया है। ठीक है, तो व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, सबसे पहले पहले प्रोसेस को आप टाइम क्वांटम के बराबर एलोकेशन करेंगे। तो टाइम क्वांटम के बराबर अगर एलोकेशन करेंगे टाइम का एग्जीक्यूशन के लिए, तो अकॉर्डिंगली हमारा करंट टाइम भी बढ़ता रहेगा। ओके, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम या इस चीज को एलोकेशन एलोकेशन को एंश्योर करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए सीपीयू देते हैं। कितनी देर सीपीयू देते हैं, या तो टाइम क्वांटम के बराबर या तो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के बराबर, डिपेंडिंग ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस है और हमने टाइम क्वांटम 2 डिक्लेयर किया, प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मान लीजिए 1 ही केवल है या रिमेनिंग बर्स्ट टाइम केवल 1 है। तो अगर बर्स्ट टाइम 1 है तो ऑब्वियस बात है कि टाइम क्वांटम 2 के लिए तो एलोकेट नहीं करेंगे। ओके, तो हम अगर बर्स्ट टाइम 1 है तो हम बर्स्ट टाइम के बराबर ही एलोकेट करेंगे अगर बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से छोटा है। तो हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर बर्स्ट टाइम, जिस भी प्रोसेस को हम रेफर कर रहे हैं, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम, नॉट बर्स्ट टाइम, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ द करंट प्रोसेस जिसको आप हैंडल कर रहे हैं, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम है तो। ठीक है, अगर रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम है तो हम क्या करेंगे, करंट टाइम को अपडेट करेंगे। करंट टाइम को आप कैसे अपडेट करेंगे, करंट टाइम विल बी इक्वल्स टू करंट टाइम प्लस टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम के बराबर आपने इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर दिया करंट टाइम को। ओके, नाउ इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर आपने टीक्यू लिया है तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इक्वल टू टीक्यू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रोसेस को फिनिश डिक्लेयर करेंगे, और अगर आपका प्रोसेस फिनिश हो गया है तो उस केस में आप स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहला काम आप एक एक कर लीजिए कि रिमेनिंग बी टी को सेट कीजिए इज इक्वल्स टू जो करेंटली रिमेनिंग बी टी है माइनस टाइम क्वांटम। ओके, और उसके बाद चेक कर लीजिए कि अगर रिमेनिंग बी टी 0 हो गया है इस प्रोसेस के दौरान, अगर रिमेनिंग बी टी 0 हो गया है इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया है। ओके, तो अगर हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट डिक्लेयर करेंगे। तो इसका कंप्लीशन टाइम हम सेट कर देंगे। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, इसका कंप्लीशन टाइम विल बी इक्वल्स टू
करंट है। अगर कोई प्रोसेस फिनिश हो गया है तो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम उसका जीरो, इसका मतलब वो फिनिश हो गया, तो उसका हम करंट टाइम सेट कर देंगे। ओके फाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अच्छा हाँ, एक एक पैरामीटर हमें और चेक सेट करना पड़ेगा, जो हम फिनिश वेक्टर डिक्लेयर किया है या फिनिश एरे डिक्लेयर किया है, आईएथ प्रोसेस को आप फिनिश डिक्लेयर कर दीजिए और उसको वन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसको ना लेना पड़े। अच्छा, एल्स में ये पॉसिबिलिटी है कि जो करंट प्रोसेस हमारा है, जो आईएथ प्रोसेस है, उसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से या तो छोटा है, या तो वो जीरो हो चुका है उसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। ऐसा पॉसिबल है ना कि हम एक राउंड में चले और किसी प्रोसेस को फिनिश कर दिया, तो दूसरे राउंड में जब आएंगे तो भी हमें फिर वही प्रोसेस मिलेगा, तो भले ही उसका बर्स्ट टाइम हमारा जीरो हो चुका है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर वो फिनिश हो चुका है तो उसको दोबारा से एलोकेट नहीं करेंगे। तो हमने एल्स में क्या करना है कि अभी पर्टिकुलरली अभी के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम क्वांटम से छोटा है रिमेनिंग बर्स्ट टाइम, बट जीरो नहीं है, जीरो वाली कंडीशन को बाद में इंक्लूड करें। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, बर्स्ट टाइम या रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के बराबर एलोकेशन करें। ओके, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के बराबर हम एलोकेशन करेंगे। तो करंट टाइम हम सेट करने जा रहे हैं, करंट टाइम इज इक्वल्स टू करंट टाइम प्लस रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। क्योंकि रिमेनिंग बस टाइम छोटा है टाइम क्वांटम से, इसलिए हम केवल टाइम क्वांटम के बराबर, सॉरी रिमेनिंग बस टाइम के बराबर एलोकेशन कर रहे हैं, टाइम क्वांटम के बराबर एलोकेशन नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से अगर रिमेनिंग बस टाइम छोटा है टाइम क्वांटम से, तो ये प्रोसेस फिनिश हो गया होगा। अगर प्रोसेस फिनिश हो गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस का फिनिश टाइम सेट करेंगे और इसको फिनिश डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, करंट टाइम आई इज इक्वल्स टू सी टी आई, सॉरी करंट टाइम नहीं, कंप्लीशन टाइम आई इज इक्वल्स टू करंट टाइम, और हमने इस प्रोसेस को फिनिश डिक्लेयर कर दिया, आईएथ प्रोसेस को फिनिश डिक्लेयर कर दिया। तो दो पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे हैंडल कर ली। एक पॉसिबिलिटी ये है कि रिमेनिंग बस टाइम जो हमारा है वो ज्यादा है देन द टाइम क्वांटम, तब हमने टाइम क्वांटम के बराबर एलोकेशन किया। और अगर रिमेनिंग बस टाइम छोटा है टाइम क्वांटम से, तो हमने रिमेनिंग बस टाइम के बराबर एलोकेशन किया। ठीक है, अगर हमने रिमेनिंग बस टाइम के बराबर एलोकेशन किया और टाइम क्वांटम से वो छोटा है, तो उस केस में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट होगा तो हम उसका कंप्लीशन टाइम सेट कर देंगे। ओके, सिमिलरली अगर रिमेनिंग बस टाइम एग्जैक्टली इक्वल टू है टाइम क्वांटम के, तो उस केस में अगर रिमेनिंग बस टाइम एग्जीक्यूशन के बाद जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब कि हमने अपने प्रोसेस को फिनिश करना है। फिनिश करना है तो इसका मतलब क्या है कि उसका कंप्लीशन टाइम हमें सेट करना होगा। तो आप मुझे अब अभी तक बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि आगे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, कंडीशंस हम इंक्लूड करेंगे। आप इसे मुझे बता दीजिए कोई कि क्या समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया तो भी सर समराइज कर दीजिए सर एक बार। समराइज ये है कि हमने क्या किया है कि बर्स्ट टाइम के अलावा हमने एक और फैक्टर मान लिया है, वो है रिमेनिंग बर्स्ट टाइम, क्योंकि भाई हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए एलोकेट करते रहेंगे, तो थोड़ा बर्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा कम होता चलेगा, तो इसलिए हमने रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ले लिया, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम को इनिशियलाइज कर लिया बर्स्ट टाइम के बराबर, और जितनी बार हम एलोकेट करेंगे रिमेनिंग बर्स्ट टाइम को सेट करें। इसी तरह से हमने एक फिनिश वेक्टर ले लिया है कि अगर कोई प्रोसेस फिनिश हो गया है तो वन वैल्यू हम ले लेंगे, और अगर वो फिनिश नहीं हुआ तो हम जीरो वैल्यू लेंगे। तो इनिशियलाइज हमने सारी वैल्यूज को जीरो कर लिया, इसका मतलब है कि वो फिनिश नहीं हुआ है। अगर रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम है, तो इसका मतलब है कि हम एलोकेशन जो करेंगे प्रोसेस का वो टाइम क्वांटम के बराबर करेंगे, और रिमेनिंग बर्स्ट टाइम को टाइम क्वांटम से माइनस कर देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अभी करंटली कितना रिमेनिंग बर्स्ट टाइम बचा। अगर इसके बाद रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जीरो बचता है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस फिनिश हो गया। फिनिश हो गया तो इसका करंट टाइम, सॉरी कंप्लीशन टाइम सेट कर दीजिए, फिनिश डिक्लेयर कर दीजिए इसको। अच्छा, अगर रिमेनिंग बर्स्ट टाइम लेस देन है टाइम क्वांटम, तो हम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के बराबर इसको एलोकेट करेंगे सीपीयू पे, और ऑब्वियसली बात है कि छोटा है टाइम क्वांटम से, तो इतने टाइम पे एलोकेट होने के बाद फिनिश भी हो जाएगा। फिनिश हो जाएगा तो हम इसको फिनिश कर देंगे, फिनिश आई इज इक्वल्स टू वन से, और इसका करंट कंप्लीशन टाइम भी सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमने एलोकेशन स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन आप लोगों से, आप ही लोग खुद सोचिएगा पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि हम जब स्कैन कर रहे हैं तो कितनी बार हमें स्कैन करना, जस्ट लेट मी नो। ये तो जो लाइन नंबर 21 से लेके
36 तक है, ये तो केवल एक बार के लिए ना, एक प्रोसेस के लिए, लेकिन ये प्रोसेस हम कितनी बार कर रहे हैं फिर बताइए। सर जब तक सारे फिनिश वन नहीं हो जाते। यस, जब तक सारे फिनिश वन नहीं हो जाते। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक फंक्शन को बना लें, टेस्ट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, एक फंक्शन हम टेस्ट बना लेते हैं। तो टेस्ट फंक्शन क्या चेक करेगा, टेस्ट फंक्शन ये चेक करेगा कि क्या सारे के सारे जो फिनिश है वो वन हो गए हैं कि नहीं। तो चलिए हम इसमें फिनिश एरे पास कर देते हैं, और फिनिश एरे का एक्सरसाइज एंड डिक्लेयर कर देते हैं, एन इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जो टेस्ट फंक्शन है वो क्या चेक करेगा कि फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। इसको केवल एक चीज चेक करना है कि क्या सब फिनिश हो गए हैं कि नहीं। ओके, तो कंडीशन लगाइए, इफ फिनिश आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इफ फिनिश आई इज इक्वल टू 1, या चलो हम एक काम करते हैं, फिनिश आई इज नॉट इक्वल टू 1, या इसको लिख लो फिनिश आई इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। अगर फिनिश आई इज इक्वल टू 0 है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो निश्चित रूप से एक प्रोसेस रह गया है, एक से ज्यादा प्रोसेस रह गया है जो कि एक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम टेस्ट कंप्लीशन का देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गए सारे के सारे प्रोसेस के नहीं। तो एक भी प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए, तो एक फॉल्स हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि लूप पूरा कंप्लीट हुआ, तो लूप अगर पूरा कंप्लीट होगा तो निश्चित रूप से सारे के सारे प्रोसेसेस में से कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसका कि फिनिश आई 0 है, तो सबका 1 ही होगा। तो अगर 1 होगा, अगर आप इस लूप से बाहर आए तो 2 रिटर्न कर दीजिए, ट्रू और फॉल्स को डिक्लेयर कर दीजिए, हैश डिफाइन ट्रू एज 1 एंड हैश डिफाइन फॉल्स एज 0। ओके, चलिए अब क्या करें, लूप चलाना है, टेस्ट तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम चलाएंगे तो तभी ना इसको, जबकि जो टेस्ट फंक्शन है वो हमारा 1 रिटर्न करे। तो टेस्ट फंक्शन को तो हम कॉल करें। ओके, चलिए टेस्ट फंक्शन को हम कॉल करते हैं। आप क्या करें इसको, फॉर आई इज इक्वल्स टू कितनी बार चलाएं, आई को तो हमें वेरी कराना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, आई को हम इसमें लूप के अकॉर्डिंग वेरी करा लेंगे, फिलहाल के लिए हम केवल टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। व्हाइल ये जो टेस्ट फंक्शन हमारा है जिसमें हमने फिनिश को पास किया है, अगर ये 1 रिटर्न करता है, मतलब कि ट्रू रिटर्न करता है, तब तो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, अदरवाइज हमारा प्रोसेस नहीं चलेगा। तो चलिए ठीक है, हमने जब तक ये ट्रू रहा तब तक हमने ये प्रोसेस चलाया, और जितनी बार हमने किसी प्रोसेस को देखा उसके बाद हमने आई प्लस प्लस कर दिया। तो आई की वैल्यू पहले 0 थी तो फिर 1 हो जाएगी, 1 था तो 2 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा, 3 था तो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर, ये आगे होता रहेगा। नाउ एक चीज और है कि जब मान लीजिए कि 5 प्रोसेस केवल आपके पास है, तो आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 4 के बाद वापस आप 0 करना चाहेंगे, फिर 1 करना चाहेंगे, 2 3 4, फिर आप इसको चेंज करना चाहेंगे कैसे, 0 1 2 3 4, फिर अगेन 0 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है कि इसी साइकिल में आप रहना चाहते हैं। तो एक काम करो कि आई प्लस प्लस तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ एक काम और कर दो, आई इज इक्वल्स टू, या चलो आई प्लस प्लस कर रहे हो, इसके बाद फिर ये कर लो कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 और मॉड एन कर लो, जहां पे एन इज द नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर मान लो कि एन की वैल्यू हम 5 मानते हैं, तो 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जैसे इसकी वैल्यू 5 होगी, 5 मॉडुलस 5 से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट टाइम ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जैसे 5 होगी इसकी वैल्यू, मॉडुलस 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक साइकिल में ये इस तरह से रहे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि हमने क्यों मॉडुलस किया, इवन आप 50 नंबर लाइन हटा देंगे तब भी चलेगा, ये हटाई दीजिए इसको।
जस्ट लेट मी नो ये कितने लोग समझ पाए इसको, अनम्यूट करके बोलिए हैंड रेस करने से की जगह। यस हमें राउंड रॉबिन में चलना है इसलिए इसलिए हमने क्या किया कि आई को रोटेट करा दिया, मतलब कि 4 के बाद अगेन 0 पे आ गया। एक काम हमें और भी करना पड़ेगा कि आई को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो जब तक टेस्ट का जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है या टेस्ट का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, सॉरी ट्रू नहीं आ रहा, जब तक टेस्ट का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तब तक हम चेक करते रहेंगे, और जैसे ही हमारा टेस्ट का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 32 नंबर लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक सारे प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाते तब तक हम इस टास्क को करते रहेंगे, क्योंकि ये नेवर नो कि कितना लंबा ये चले। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हम एक चीज एक कंडीशन और चेक करना चाहते हैं। क्यों चेक करना चाहते हैं इसको जरा देख लीजिएगा। मान लीजिए कि किसी प्रोसेस को हम चेक कर रहे हैं और उसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू टी क्यू ना होके बल्कि लेस देन और इक्वल लेस देन है टी क्यू, तो लेस देन टी क्यू का मतलब है कि वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन टी क्यू का क्या मतलब है कि वो जीरो भी हो सकता है। तो चूंकि वो जीरो हो सकता है इसलिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फिनिश नहीं हुआ तभी हम उसको आगे करें, तो हमें टेस्ट कर लेना चाहिए कि इफ फिनिश आई इज नॉट इक्वल टू 1 तभी आप ये वाला प्रोसेस करें, ये जो एल्स वाली कंडीशन। ठीक है, अगर फिनिश आई 1 नहीं है, 1 का मतलब फिनिश हो गया, तभी आप इस काम को करें। तो आपने इस तरह से एलोकेशन कर लिया और कंप्लीशन टाइम निकाल लिया है, तभी प्रोसेसेस के कंप्लीशन टाइम आपने निकाल लिए हैं। कंप्लीशन टाइम अगर आपने इससे निकाल लिया तो एक बार फिर से लूप चला लीजिए, जितने भी प्रोसेसेस हैं और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू एन माइनस 1 और आई प्लस प्लस, आपके पास कंप्लीशन टाइम है तो बाकी पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं रिस्पॉन्स टाइम की बात करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल के लिए कंप्लीशन टाइम है तो टर्न अराउंड टाइम आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम अकॉर्डिंग टू यू, जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम ऑफ आई माइनस अराइवल टाइम ऑफ आई। ओके, टर्न अराउंड टाइम के बाद कौन सा टाइम निकाले? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम। तो बीटीआई इसमें से माइनस कर लीजिए, बीटी को हमने प्रिजर्व करके रखा है, रिमेनिंग बीटी को चेंज किया था, बीटी को चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम आ गया, टर्न अराउंड टाइम आ गया, वेटिंग टाइम आ गया, अब बचा कौन सा टाइम? रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम होता क्या था, जस्ट टेल मी व्हाट यूज्ड टू बी द रिस्पॉन्स टाइम? प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला है? प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला है? तो अब आप मुझे बताइए कि कहां पे हम रिस्पॉन्स टाइम सेट करें। जस्ट टेल मी कि रिस्पॉन्स टाइम हम कहां पे सेट करें पूरे कोड में, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम सेट केवल एक ही बार होगा। सर जब एक प्रोसेस शायद टाइम क्वांटम जितना चल चुका होगा उसके बाद लगा देंगे। क्या टाइम क्वांटम? जब एक प्रोसेस एक टाइम क्वांटम ऑलरेडी रन कर चुका होगा तो आई थिंक जो इफ वाली स्टेटमेंट है इसके बाद यही का है। नहीं चलो, अच्छा मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, आप बताना कि सही है कि नहीं। इफ बस टाइम आई ऑफ ए प्रोसेस इज इक्वल टू रिमेनिंग बस टाइम, जिस प्रोसेस को आप चेक कर रहे हैं अगर उसका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के इक्वल है तो इसका मतलब इनिशियलाइजेशन स्टेज पे ही है ना। अभी इसका मतलब है कि अभी तक इसको एलोकेट नहीं हुआ है सीपीयू, कभी भी पहली बार एलोकेट होने जा रहा है। ठीक है, पहली बार एलोकेट होने जा रहा है, तो अगर पहली बार एलोकेट होने जा रहा है तो इसका मतलब है कि यही रेस्पॉन्स टाइम होगा इसके लिए। तो रेस्पॉन्स टाइम आई विल बी इक्वल्स टू करंट टाइम। ठीक है, हमारा बर्स्ट टाइम 4 था, अब रिमेनिंग बर्स्ट टाइम भी अभी 4 ही है, इसका मतलब कि पहली बार एलोकेट होने जा रहा है ना इसको, है ना। अच्छा और एक चीज और, इसको डायरेक्टली ऐसे ही मत चेक कीजिएगा, ऐसे चेक कीजिए बी टी आई, सॉरी रिमेनिंग बी टी
चलो इसको रहने दो, ये कंडीशन सफिशियंट है। कितने लोग इस कंडीशन समझ में आई कि हम कैसे रिस्पॉन्स टाइम निकाल रहे हैं? भाई आप किसी प्रोसेस को एलोकेट करने जा रहे हैं, एलोकेट करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसका कुछ रिमेनिंग बीटी होगा, तभी आप एलोकेशन के लिए जा रहे हैं। अगर बर्स्ट टाइम और रिमेनिंग बर्स्ट टाइम दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि एक भी बार इसको सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम आप इसको एलोकेट करने जा रहे हैं। चूंकि आप फर्स्ट टाइम इसको एलोकेट करने जा रहे हैं सर, तो इसका मतलब कि हाँ प्लीज बताइए। सर ऐसे तो सर हर प्रोसेस का वो हमारा जीरो आ जाएगा ना, क्या जीरो आएगा? फर्स्ट रिस्पांस टाइम टाइम, जीरो नहीं होगा? रिस्पांस टाइम कैसे जीरो कैसे आएगा? करंट टाइम है ना रिस्पांस सर, टाइम। क्योंकि हर हर इटरेशन में सर, जब हम हर बार पहली बार इटरेट करेंगे तो ये कंडीशन हर बार ट्रू होगी, बीटीआई इक्वल इक्वल रिमेनिंग बीटीआई। लेकिन हम सेट सेट क्या कर रहे हैं रिस्पांस टाइम आई करंट टाइम के बराबर? अच्छा हाँ सर ये करंट टाइम ठीक तो है। हो गया ना, करंट टाइम तो आगे मूव कर गया ना। यस सर, इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज भी देता हूँ, बट आप इसको समझिएगा आराम से, और अगर कोई गलती होगी तो मुझे बताइएगा, हो सकता है कि मैंने भी कोई गलती कर दी हो, बट किसी का कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हमने एक टेस्ट फंक्शन बनाया है, टेस्ट फंक्शन क्या कर रहा है? इट इज टेस्टिंग कि क्या सभी प्रोसेसेस के फिनिश टाइम वन तो नहीं हो गए, वन हो गए इसका मतलब सारे सारे फिनिश हो गए। किसी भी एक प्रोसेस का फिनिश जीरो बचा है तो इसका मतलब कि वो फिनिश नहीं हुआ है, सारे प्रोसेस फिनिश नहीं हुए, मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना? तो आप आगे तभी जाएं एलोकेशन के लिए जबकि सारे के सारे प्रोसेस फिनिश हो, सॉरी सारे के सारे प्रोसेस फिनिश ना हुआ है, कोई एक रह गया हो।